उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सोमवार की सुबह एक भीषण बस हादसा हुआ, जिसमें 22 लोगों की मौत और 20 अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। यह दुर्घटना कुपी के पास हुई, जहां बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। मिली जानकारी के मुताबिक बस में कुल 42 यात्री सवार थे, जो किनात से रामगढ़ जा रहे थे। इस हादसे से उत्तराखंड राज्य सहित पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत एवं बचाव कार्य को प्राथमिकता दी। दरअसल सोमवार सुबह लगभग 8 बजे गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन की बस अचानक अनियंत्रित हो गई और खाई में गिर गई। पुलिस के अनुसार बस नदी से लगभग 10 फीट पहले एक पेड़ में फंसकर रुक गई, जिससे कई यात्री खिड़कियों से बाहर गिर गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना की जानकारी मिलने पर तुरंत स्थानीय प्रशासन को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, यह घटना अत्यंत दुखद है, मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री ने राहत कार्य में तेजी लाने के लिए SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमों को मौके पर भेजा। साथ ही उन्होंने गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए एयरलिफ्ट की आवश्यकता होने पर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। इस हादसे के पीड़ित परिवार में से मुख्यमंत्री धामी ने मृतकों के परिवार के 4-4 लाख रुपए और घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। यह सहायता राशि प्रभावित परिवारों को इस कठिन समय में थोड़ा सहारा देने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए कुमाऊं मंडल के आयुक्त हुई मजिस्ट्रेट जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। यह जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि बस काफी जर्जर थी, जो कि इस हादसे का एक प्रमुख कारण हो सकता है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल ने राहत और बचाव कार्य में तेजी से भाग लिया। SSP अल्मोड़ा समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहे। SDRF की टीम ने घायलों को निकालने और उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत से जुटे रहे। घायलों का इलाज रामनगर अस्पताल में चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी ने घायलों का हालचाल लिया। उन्होंने डॉक्टरों और नर्सों से बातचीत की और यह सुनिश्चित किया कि सभी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो और उपचार में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। घटनास्थल पर स्थानीय लोग भी एकजुट हुए और बचाव कार्य में सहायता की। स्थानीय लोग घायलों के लिए रक्तदान करने के लिए भी आगे आए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ यह बस हादसा न केवल एक दुखद घटना है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि हमें सार्वजनिक परिवहन के सुरक्षा मानकों को गंभीरता से लेना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सक्रियता और राहत कार्यों में तत्कालिकता यह दर्शाती है कि राज्य सरकार जनहित में कैसे तत्पर रहती है। रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं, जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो। और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है, सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं, हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है, जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहाँ पर कह दिया गया है, जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुँचाया जाएगा।